हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी अपन जा रहे हैं चार खम्बा मार्केट, जो आप मार्केट भी देख लीजिएगा। बाकी मैं आपको वीडियो में अपनी थोड़ा लाइफ के बारे में बताने वाला हूं और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड वीडियो होने वाली है जे। मतलब आप मार्केट भी देखिएगा और मैं अपनी अपनी स्टोरी भी बता दूँगा आपको। फाइनली अपनी ज़िंदगी से मोटिवेशनल कभी मत होना। आप 10 चिट्ठी चढ़ोगे, एक बार गिरोगे, दूसरी बार गिरोगे, तीसरी बार गिरोगे, चौथी बार आखिर में आप चढ़ जाओगे। हम बोले 10 बार गिरो, 10 बार चढ़ो, उससे आपको अनुभव भी मिलेगा और बाकी चढ़ने में तो आप सीढ़ी चढ़ना सीख जाओगे कि सीढ़ी कैसे चढ़ी जा सकती है। बट अपने जो ज़िंदगी से हारना मत कभी भी। बट मैं भी कभी अभी कैमरे के सामने आने से डरता हूँ, क्योंकि जी मैं 10 बार वीडियो बनाता हूँ बट एक बार वीडियो बनती है। कभी कैमरा हिल जाता है, कभी अपनी वॉइस अटक जाती है, बट अभी भी मैं वॉइस अटकती है मेरी। बट क्या है, मेरे को अभी बोलने का एक्सपीरियंस नहीं है। मैं जितनी बार बोलूँगा उतनी बार सही रहूँगा। कैमरे के सामने में आने में मेरे को मतलब बोल नहीं पाता कैमरे के सामने। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि मतलब वो कैमरे के सामने आने में कतराते होंगे, बट मैं भी कतराता था, अभी भी मैं कतराता ही हूँ। बट मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन मतलब मैं कोशिश करता रहता हूँ। आज नहीं कल होगा, कल नहीं परसों होगा, परसों नहीं नरसों होगा, लेकिन आगे एक न एक दिन होगा। ये वीडियो थोड़ा लंबी होने वाली है और ये वीडियो थोड़ा आप एंड तक देखिएगा, आपकी ज़िंदगी से को भी थोड़ा मोटिवेशनल मिलेगा। तो ये अपन जो अपनी मुसलमान जबलपुर में हैंगे, वहाँ ये बीचों बीच स्थित बसा हुआ मंदिर है जिसको अपन बोलेंगे बूढ़ी खेरमाई मंदिर। मैं अपनी लाइफ स्टाइल उसके बाद आगे बताता हूँ आप सभी को। ये आप देख सकते हैं मंदिर, देखिए मतलब ये अपनी जो चार खम्बा जिसको बोला जाता है, चार खम्बे के बीचों बीच बसा हुआ ये मंदिर है। और मतलब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ये प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर पुलिस हमेशा कायम रहती है, यहाँ झगड़े होने के ज़्यादा चांसेस है। ये हिंदू का मुसलमान है, ये हिंदू का मंदिर है, बाकी चारों तरफ पूरे मुसलमान ही मुसलमान रहते हैंगे। बट मैं यहाँ का मार्केट कभी बन दिखाया नहीं, तो आप सभी को दिखाना चाहता हूँ। मतलब कभी ज़िंदगी से आप मोटिवेशनल मत होइएगा, क्योंकि अभी मैं वॉइस बोलने में भी अटकता हूँ। बट मैं कभी हारना नहीं चाहता। मैंने इसके वीडियो में मतलब पहले मेरा एक चैनल था, आप सर्च कर सकते हैं हेमंत बाबा नाम से, मैं उसमें भी सॉन्ग लिपसिंग करता था। बट मेरे को उसमें थोड़ा जमा नहीं, बहुत लोगों ने बोला मुजरापंथी कर रहा है भाई। मेरे को क्या है, जो सही लगता है वो मैं करता हूँ। 10 लोग बोलेंगे भाई तू छिड्डी चढ़, कोई बोलेगा छिड्डी से कूद जा, कोई बोलेगा छिड्डी मत चढ़, कोई बोलेगा छिड्डी में लोहा लगा गिर जाएगा, कोई बोलेगा छिड्डी कटवा के आगे चढ़वा ले। बट नहीं, ऐसा मैं नहीं करता। अपने हिसाब से मेरे को जो सही लगता है वो मैं करता हूँ। बट आपको थोड़ा सा वीडियो में इंटरेस्टेड होने हो तो ही वीडियो देखना, इंटरेस्टेड मत हो तो आप बिल्कुल डिसलाइक करके चले जाना। बट यहाँ पर जो मार्केट है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गंदी सी रहती है, यहाँ पर मतलब ज़्यादा साफ रहता नहीं है, क्योंकि ये चार खम्बा इसको एरिया ही बोला जाता है। ये इसको जहाँ पर मीना मार्केट लगती है, जो पूरा ये यहाँ पर पूरा मीना मार्केट भर जाता है। अभी क्या है ये देखो, फंस गए ना, हम भी फंसे, तुम भी फंसे, सब फंसे। मैं पहले इस चैनल में मतलब काफ़ी ज़्यादा 50-60 वीडियो डाल चुका हूँ, बट मैंने प्राइवेट कर दिया, क्योंकि मेरी वॉइस आवाज़ नहीं आती थी। मतलब वॉइस क्वालिटी बहुत ज़्यादा घटिया थी, कभी कभार कैमरा हिल जाता था, मतलब वह बहुत ही ज़्यादा अटकता था, मतलब कोई वीडियो सही प्रकार से मोटिवेशनल टाइप की बनी नहीं थी, जिससे लोग देख कर मतलब अच्छी लगी। किसी को मतलब वो वीडियो अच्छी नहीं लगी, मेरे को भी पर्सनल अच्छी नहीं लगी, तो वो मैंने वीडियो प्राइवेट कर दिया। वो पब्लिक करी अब डिलीट, बाकी मैं बाद में कर दूँगा। मेरा जो एक्सपीरियंस है यूट्यूब का, मैं उसको आपको बताना चाहता हूँ। आप यूट्यूब में जैसे वीडियो बना रहे हैं तो आप मतलब साल के 365 दिन होते हैं एक साल में, तो आप 300 वीडियो डालेंगे 65 दिन। मान के लिए आपको कोई काम आ गया, छुट्टी आ गई, या फिर जो कुछ भी मतलब अर्जेंट काम आ गया, 65 दिन अभी से मैंने आपको साइड कर दिए, 300 वीडियो डाले, 300 वीडियो में से 5 वीडियो आपकी वायरल हो गई। आप 300 वीडियो डाल रहे हो, 300 वीडियो में से 5 वीडियो मतलब 2 वीडियो तो वायरल होंगी ही होंगी 100
इन 10%, मैं आपकी 110% आपकी वीडियो ज़रूर वायरल होगी। लोग देखेंगे, मोटिवेशनल होंगे और लोगों को अच्छी लगेगी। तो इसमें आपका एक साल में चैनल भी मोनिटाइज हो जाएगा और आप यूट्यूब से अर्निंग भी कर सकते हो। बट मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने आपको बता दिया, और मैं अपनी लाइफ के बारे में बता रहा था तो मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब अभी भी अटकता हूँ, बट मैं थोड़ा थोड़ा कोशिश कर करके आगे बढ़ जाता हूँ, क्योंकि मैंने अभी बोया का माइक ले लिया है, थोड़ा मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी। बट अभी भी मैं मोबाइल से ही वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना बजट नहीं है कि मैं कैमरा ले सकूँ। मैं ये मोबाइल से ही वीडियो बना रहा हूँ, आप सही समझ सकते। थोड़ा सा क्वालिटी लो आ रही होगी, बट मैं सही बना सकता हूँ वीडियो, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, बजट नहीं है भाई। जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा साफ है, बट आप लोगों ने जो जबलपुर का ये मार्केट है ये आपने देख ही लिया होगा, आपको मतलब कुछ अनुभव मिला होगा जो मैंने आपको मोटिवेशनल की बताया। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं ये भी नहीं बोलता कि आप मतलब ज़बरदस्ती मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, भाई आपका मन होगा, आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लाइक और सब्सक्राइब करोगे ही, वो तो मेरे को पता है। बट आपको वीडियो अच्छी नहीं लगेगी तो डिसलाइक मार के चले जाओगे, वो तो हर लोग करते हैं भाई। खाना अच्छा लगेगा तो खाएंगे, नहीं अच्छा लगा तो मजबूरी रहेगी तो खाएंगे। और वीडियो में ऐसा नहीं, मजबूरी नहीं है, डायरेक्ट अनसब्सक्राइब मतलब डिसलाइक करो और चले जाओ। क्या है, बहुत लोगों को वीडियो अच्छी लगती नहीं लगती, वो उनके मतलब उनकी टेक्नोलॉजी सोच के ऊपर डिफरेंस करता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।